हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर दिया था और आज हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, लास्ट क्वेश्चन में क्या है, फैक्टराइज करना है, लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब जितना आसान क्वाड्रेटिक है उतना तो होगा नहीं ये, क्योंकि इसमें तीन फैक्टर निकालना है तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन है, एक है तो बहुत ईजी है, एक है तो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, अभी मैं ये दोनों क्वेश्चन बता रही हूँ, इसके जैसे और दो क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में कर लेंगे। देखो, ये क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले तो आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन में लिख लो। अब आपको देखना है कि स्टार्टिंग के टू टर्म्स में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, और लास्ट के टू टर्म्स में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। देखो, बहुत इजी कैसे हो गया, जो हमने क्वाड्रेटिक का पढ़ा था ना फैक्टराइज, उसमें हमने क्या किया था कि जो सेकंड थर्ड नंबर की जो हमको मिल रही थी, क्या स्टेप मिल रही थी, तो उसमें से हम जैसे कॉमन ले रहे थे, वो स्टेप आपको डायरेक्ट मिल रही है। यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करोगे, जो भी कॉमन है निकालना है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, इसका मतलब है कि यहाँ 3 times x है और यहाँ पे 2 times x है। ठीक है, तो हम 2 times x को तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया और यहाँ पे 1x बच जाएगा, -2 बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पूरा ही कॉमन आ गया। ठीक, अब इन दोनों में से कुछ ना कुछ आपको कॉमन लेना है। तो देखो, कुछ भी कॉमन आ नहीं रहा है, हमको ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 लाना है। ठीक है, तो x भी है 2 भी है, पर ये माइनस कैसे आएगा, अगर मैं इस प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख दूँ तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कॉमन आ गया। ठीक है, तो एक माइनस जो है वो अंदर बच गया और कुछ भी बाकी तो कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ये जो है ये रफ वर्क होता है, मैं आपको समझाने के लिए लिखती हूँ वहाँ पे। ठीक, तो अब देखो आपके पास में दोनों ब्रैकेट भी सेम आ गई और हमने जो है कॉमन भी निकाल लिया। ठीक है, देखो एक्स माइनस 2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म दोनों में x माइनस 2 कॉमन है, उसको बाहर कर दो, जो बच गया उसको अंदर लिख दो। मैंने आपसे कहा था कि 3 फैक्टर्स आएंगे, लेकिन यहाँ तो 2 ही फैक्टर्स आए, ऐसा क्यों हुआ, तो 3 फैक्टर्स है। अच्छे से देखो, ये क्वाड्रेटिक है ना, तो इसको हम और फैक्टराइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 1 को देखा जाए तो 1 का स्क्वायर है, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है पीछे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिख भी देती हूँ मैं, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ऐसा होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1, और यही जो है हमारे फैक्टर्स है। ठीक है, अब चाहो तो इसको स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, दस द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल आर। ठीक है, पूरे करके लिख देना है तो वही आपका आंसर होगा। क्लियर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसी के जैसे एक क्वेश्चन और बनेगा। कौन सा क्वेश्चन है वो, फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट के जैसा ही फोर्थ क्वेश्चन बनेगा और मैं सेकंड बता रही हूँ इसी के जैसे थर्ड क्वेश्चन बनेगा। ये बहुत आसान था, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है। देखो अभी जरा देखो, ये क्वेश्चन हुआ, आपको क्या करना है, पहले इसको मान लेना है कि ये पी एक्स के इक्वल है, पॉलिनोमियल ही तो है। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 लिख दिया। एंड अभी मैं क्या लिख रही हूँ देखना, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ माइनस 5 आर प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5। कैसे किया, क्यों किया, वो बाद में बताती हूँ। देखो, पी एक्स इज इक्वल टू इतना ले लिया हमने, आपको क्या करना है, लास्ट टर्म को देखना है, जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको देखना है, माइनस 5 है हमारे पास। ठीक, तो माइनस 5 के जो पॉसिबल फैक्टर्स है वो आपको लिखना है। ठीक है, पॉसिबल फैक्टर्स मतलब आप फैक्टराइज करते हो ना, 5 को फैक्टराइज करोगे तो 1 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो वो प्लस 5 भी हो सकता है, माइनस 5 भी हो सकता है, माइनस है इसलिए, प्लस 1 भी हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है। तो वही फैक्टर्स आपको यहाँ पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं, उनमें से फिर कोई एक को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर इनमें से कोई भी उठा लो। ठीक है, पी मैंने माइनस 1 उठाया मान लो, ठीक है, माइनस 1, तो जहाँ जहाँ एक्स है मैं क्या करूँगी, माइनस 1 को पुट कर दूंगी, तो ये हो जाएगा माइनस 1 क्यूब 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5 कर दिया। सॉल्व करते हैं, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस, अच्छा ये प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 1 इंटू माइनस 3,
ठीक है। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस नाइन और ये हो जाएगा माइनस फाइव। अगर मैं पूरे जो माइनस माइनस वाले सिंबल है उनको ऐड कर दूँ तो माइनस नाइन आएगा और प्लस नाइन पहले से है इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो, पहले हमने माइनस फाइव के फैक्टर्स निकाले, फिर हमने उनमें से कोई भी एक फैक्टर उठा करके इसको सॉल्व करके देखा, ज़ीरो आया। मैंने आपको बताया था अगर ज़ीरो आता है तो वो फैक्टर है कन्फर्म हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो ये तो x की वैल्यू थी, है ना, x की वैल्यू थी। अब आप फैक्टर निकालोगे तो आप यहाँ क्या लिखोगे, दस दस x प्लस वन। देखो यहाँ माइनस वन है, इसका मतलब है x प्लस वन फैक्टर होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ px, जो भी px है उसका फैक्टर है x प्लस वन। तो हमको, हम ऐसी कहानी इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं, सबसे पहली बात आसानी से हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम इसमें से क्या कॉमन ले ले। अगर यहाँ से लेना चाहे तो ले ही नहीं पाएंगे, दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आने वाली है, तो कोई तो और रास्ता अपनाना पड़ेगा ना सॉल्व करने के लिए। तो हमने इसलिए ऐसे किया, एक फैक्टर अगर हमको पता चल जाता है, देखो एक फैक्टर पता चल गया, अगर एक फैक्टर पता चलता है तो हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू, अगेन क्वेश्चन को लिख लो जो भी है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाने वाला है, मैं इस साइड में भी जगह रखती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्या करना है, अब आपको स्टार्टिंग का टर्म सेम लिखना है और लास्ट का टर्म सेम लिखना है, और क्या करना है कि बीच वाले जो दो टर्म्स है, ये वाला भी टर्म और ये वाला भी, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तोड़ देंगे, और ऐसा तोड़ेंगे कि ये देखो, इसको तोड़ेंगे टू टर्म्स बनेंगे, इसको तोड़ेंगे टू टर्म्स बनेंगे, टोटल कितने, सिक्स टर्म्स हुए। अब उसमें से जब कॉमन लेंगे ना तो ब्रैकेट के अंदर ये वाला फैक्टर बचना चाहिए, मतलब एक फैक्टर हमको पहले से दिया हुआ था, निकाला हमने ना, तो यही फैक्टर यहाँ पर आएगा, ईजी हो जाएगा इसलिए। तो देखो अब क्या करेंगे, मैं इसको लिख रही हूँ थ्री एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 9x को लिख रही हूँ माइनस 4x माइनस 5x, और ये माइनस 5 पहले से है, ठीक। मैंने क्या किया, देखो माइनस 3x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर लिखा, इसका मतलब है कि माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक, और इतना ही आएगा। इसको जब तोड़ूंगी तो माइनस माइनस फिर से ऐड हो जाएंगे और ये इसी के इक्वल होगा, तो मैंने ऐसे तोड़ दिया। मैं यहाँ से कॉमन लेना चाह रही हूँ। अब देखो मेरे पास सिक्स टर्म्स है टोटल, तो मैं क्या करूँगी, ये फर्स्ट टू टर्म्स, फिर सेकंड टू टर्म्स, फिर उसके लास्ट वाले टू टर्म्स, उसमें से मैं जो भी कॉमन ले सक रही हूँ लूँगी, और देखना लास्ट में ना यही वाला फैक्टर बचेगा अंदर। देखो मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ का एक्स बचेगा, ठीक, और कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। इसको थ्री एक्स स्क्वायर को ना एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर नहीं लिखोगे, आप लिखोगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो है फोर माइनस वन थ्री हो जाएगा और बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है, तो अब सही है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स प्लस वन, और यहाँ पे माइनस फोर एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स प्लस वन, और यहाँ माइनस फाइव को कॉमन लिया तो एक्स प्लस वन। तो हमारे पास यहाँ जो है क्या बच जाएगा, अब एक्स प्लस वन जो है कॉमन ले लो, जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर डालो, एक्स स्क्वायर बचा है यहाँ, माइनस फोर एक्स बचा है यहाँ, और माइनस फाइव बचा है, ठीक है। अब कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी तो हमारा एक ही फैक्टर निकला, अभी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब क्या करोगे, अब इसको फैक्टराइज करना है फिर से, तो दो फैक्टर और निकल के आएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन, इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस फाइव है, ठीक है, इसको ऐसे तोड़ना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो मैं लिख सकती हूँ फाइव माइनस वन, देखो फाइव माइनस वन फोर भी हो गया और फाइव वन ज़ा फाइव भी हो गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं आगे, और क्या, सेम वही मेथड तो है, माइनस फाइव एक्स माइनस माइनस प्लस वन इंटू एक्स वन एक्स, वन को लिखना नहीं है, माइनस फाइव, ठीक है। यहाँ से जो भी कॉमन ले पा रहे हो ले लो, अब ये दोनों टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स है, इसमें से मैं x कॉमन लेती हूँ तो x माइनस फाइव बचा, इसमें मैं वन कॉमन लेती हूँ तो x माइनस फाइव बचा। अब x प्लस वन x माइनस फाइव, ठीक है, और ये जो बच गया है x प्लस वन एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, मतलब उतना भी नहीं था। देखो पहले आपको क्या करना है,
पॉलिनोमियल लेट कर लेना है, फिर पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेने हैं इसके जो भी है, उनमें से कोई भी एक फैक्टर उठा करके यहाँ रखना है। आंसर जीरो आया तो कंफर्म कि ये फैक्टर है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम इसको स्प्लिट करते हुए आगे बढ़ाएंगे, फैक्टराइज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, उसके बाद में फिर उसको और फैक्टराइज करेंगे तो टू फैक्टर्स और मिलेंगे, तो लास्ट में ऐसे करके थ्री फैक्टर्स मिलेंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो ये माइनस वाला क्वेश्चन था, थोड़ा छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती जैसे यहाँ पे हो गई थी, और ये तो ईजी है, इसके जैसे लास्ट बन जाएगा। और जो इसके बाद वाला थर्ड है वो इसी के जैसे बनेगा, लेकिन ईजी है क्योंकि उसमें पूरा प्लस प्लस ही है, तो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो ट्राई करना, इसकी अगली एक्सरसाइज जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक।